न्यूज ऑल के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर दिल्ली में लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को पेश किया गया है, जिसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों में ही पेश करने से पहले वोटिंग होती है, जहां पर अगर इस बिल के पक्ष में बात की जाए तो 293 वोट पड़े हैं, वहीं विपक्ष में 82 वोट पड़े हैं और अब इस बिल को पटल पर रखा जाएगा चर्चा के लिए। जी हां, बिल को पेश करने से पहले वोटिंग होती है और उस वोटिंग में ये बिल 293 वोट बिल पेश करने के पक्ष में पड़े हैं, बिल के विरोध में 82 वोट पड़े हैं। लोकसभा में मौजूद कुल 375 सांसदों ने की है वोटिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था ये बिल। शिवसेना की अगर बात की जाए तो शिवसेना ने बिल के समर्थन में वोट किया है, तो वहीं कांग्रेस ने इस बिल के विपक्ष में वोट किया। और इसी खबर पर हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ मनोज सैनी जी। मनोज जी, नागरिकता संशोधन बिल को लेकर जिस तरह से पहले बात की जा रही थी, उससे पहले ही हंगामा हमने देखा था, लेकिन उसके बाद इस पर वोटिंग की गई है बिल पेश करने से पहले, जहां पर बिल के पक्ष में 293 वोट पड़े और विपक्ष में 82 वोट पड़े हैं। शिवसेना ने भी इस बिल का समर्थन किया है। देखिए स्मिता, नागरिक संशोधन जो बिल की बात कही जा रही थी, 370 और NRC बिल के बाद अब तीसरा दांव है भारतीय जनता पार्टी सरकार का, NDA सरकार का। और जिस तरह से ये बिल पेश किया गया, जब लोकसभा में अमित शाह ने अपनी बातें रखी तो तमाम सारे मुद्दों पर उन्होंने खुल के बात भी की और ये भी बताया कि वो बिल को क्यों रखना चाहते। दरअसल इसमें ये भी कहा जा रहा है कि गैर मुस्लिम जो लोग हैं वो तो आ सकेंगे, लेकिन मुस्लिम लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इस तरह की चर्चा। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पर यह जरूर है कि उसको देखा जाएगा कि वो कहां से आए। सवाल ये खड़ा होता है कि जो शरणार्थी पहले आया करते थे भारत में, उनको नागरिकता मिल जाया करती थी, लेकिन इस बिल के आ जाने के बाद पूरी तरह इसमें बदलाव हो जाएगा। और सरकार का मकसद यही है कि कुछ जो लोग इस तरह से नागरिकता पा जाते थे, जो देश के लिए कहीं ठीक नहीं थे, बाद में इस पर तमाम तरह की चर्चाएं हुई और तीसरा ये बिल ऐसा होगा बड़ा बिल जिसे आज पेश किया गया। लेकिन जैसे ही बिल पेश किया गया तो करीब 375 सांसद वहां पर मौजूद थे, उसमें से 273 लोगों ने सपोर्ट में यानी पक्ष में वोट डाले और बाकी हम देखें 82 लोग जो विपक्ष में गए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज नागरिक संशोधन जो बिल था उसको पेश कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार ने, और अमित शाह ने उस पर खुलकर चर्चा भी की है, अपनी बातें भी रखी है, लेकिन जोरदार हंगामा देखने को मिला संसद के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया कांग्रेस ने, बाकी जो अन्य लोग थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शिवसेना भी यहां खड़ी नजर आई। बाकी और जिस तरह से जब ये बिल पेश किया जा रहा था लोकसभा में, उस वक्त अधीर रंजन जी की अगर बात की जाए तो उस पर भी अमित शाह ने साफ कहा था कि उनकी नाराजगी मैं समझ सकता हूँ। इससे पहले जब संशोधन की बात की जा रही थी कि इस बिल में संशोधन करना चाहिए, अगर 1955 की हम बात करें तब इस बिल में ये अमेंडमेंट किया गया था कि 11 साल तक जो भारत में रहा है वो उसे पहले भारत की नागरिकता दी जाएगी, जिसमें इस अवधि को कम करके अब 6 वर्ष कर दिया गया है। देखिए वही है जो आप कह रहे हैं, वही बातें हैं, लेकिन सवाल यह है कि कई जगह ऐसी चीजें देखने को मिली थी जिसका बाकायदा जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार है उसने उसको देखा समझा और उसके बाद उस बिल को प्रस्तुत किया। लेकिन बिल के प्रस्तुत किए जाने के बाद से लगातार ये कहा जा रहा है कि एक वर्ग को दूर रखा जा रहा है और यही सबसे बड़ा सवाल है, इसीलिए तमाम जो दल है उन्होंने इसका विरोध भी जताया। पर जहां तक उन्होंने कहा कि इस ये जो अलग अलग धर्म में बांटने की राजनीति है, इसकी शुरुआत किसने की थी, कांग्रेस ने की थी, जैसा उन्होंने सीधे तौर पर संसद में कहा, इसको लेकर भी बवाल खड़ा हुआ। पर यह मानकर चलिएगा कि सरकार उस तरफ बढ़ चली है, अभी राज्यसभा की तरफ जाएगा, राज्यसभा में क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन सरकार ने शायद अपना मन बना चुकी है कि इस बिल को प्रस्तुत करना है। और जिस तरह से जो आंकड़ा हम देख रहे हैं, 273 पक्ष में पड़े हैं, 82 विपक्ष में पड़े हैं, कुल मिलाकर 375 सांसद वहां पर मौजूद थे। और एक बड़ी बात जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि शिवसेना ने साथ दिया है, तो क्या शिवसेना का इस बिल में साथ आना ये माना जाए, जैसे महाराष्ट्र में भारतीय जनता माफ करिए जैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस NCP और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई है, तो क्या शिवसेना इनके साथ खड़ी होती, तो इसके भी क्या राजनीतिक मायने दूर तक देखे जाए, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि संसद में इस बिल को पेश किया गया है और उसके बाद अब राज्यसभा की तैयारियां होगी, आज दिन भर इस पर चर्चा चले।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी। तो नागरिक संशोधन बिल को आज लोकसभा में पेश कर दिया गया है और इस बिल को पेश करने से पहले वोटिंग की गई थी, जिसमें इस बिल के पक्ष में वोट पड़े हैं और 82 वोटों की अगर बात की जाए तो विपक्ष में पड़े हैं। हालांकि 375 सांसद यहां पर मौजूद थे, जिसमें से 293 वोट इस बिल के पक्ष में पड़े और साथ ही अब इस पर चर्चा भी होगी और गृह मंत्री अमित शाह इस बिल पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि वो हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष यहां से वॉकआउट नहीं करना चाहिए। और अगर ये बात कही जा रही है कि किसी एक वर्ग को इस बिल से दूर रखा जा रहा है, तो उन्होंने इस बात पर भी पूरी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा हम किसी भी वर्ग को दूर नहीं रख रहे हैं, लेकिन हाँ हम कुछ चीजों को जरूर देखेंगे और उसके बाद ही आगे की चीजें होंगी। लेकिन अब ये बिल राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा और सरकार ने अपना जो मन है, जो अपनी बात है, अपनी मंशा को यहाँ पर साफ कर दिया है।